हाय पवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। भुज आपकी जो पिक्चर है वो रिलीज हो गई है, इतने अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको लोग इतना सराहा रहे हैं, कैसा लग रहा है? एक डिवाइन फीलिंग होती है, एक सॉलिट्यूड वाली फीलिंग होती है। और जब आप किसी बहुत मेहनत के बाद जब आप किसी मुकाम पे पहुंचते हैं और वहां पहुंच के जो एक पीस मिलती है, वैसा ही कुछ फील हो रहा है। 16 वर्ष, 16 years इट टुक, यू नो, सिद्धांत वॉज 2004 एंड दिस इज 2021। या बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही पीसफुल लग रहा है। मैंने सक्सेस इतनी ऊपर नीचे देखी थी टेलीविजन में भी कि एक पॉइंट के बाद सक्सेस भी इफेक्ट नहीं करती थी और फेलियर भी एक इफेक्ट नहीं करता था। तो आई हैव रीच दैट जोन। जब अक्सर हमने देखा है कि होर्डिंग्स लगी है तो यही पता था 15 दिन बाद उतर जाएगी और दूसरी होर्डिंग भी लगेगी। तो आई हैड दैट सेटल्ड फैक्टर इन मी, लेकिन पीसफुल, आई एम फीलिंग लॉट ऑफ पीस विद इन मी। और बहुत लोगों ने अभी पिक्चर नहीं देखी क्योंकि 1 वीक भी नहीं हुआ है अभी पूरी तरह से। तो क्या आपका कैरेक्टर है फिल्म में, एक बार आप बताइए, और किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हुए? ऑडिशन लुक टेस्ट हुआ। देखिए, इतनी बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म थी और इतना अहम रोल था, एंटेगनिस्ट का रोल था एक तरह से। पाकिस्तान से जितना भी प्लानिंग थी सारी उमानी के किरदार ने करी थी, जो मैंने निभाया। लेकिन काफ़ी लोग इस रोल पे थे, इस रोल पे की लाइन पे या शॉर्टलिस्टेड काफ़ी लोग थे, लेकिन डायरेक्टर लाइक माई वर्क और डायरेक्टर को पसंद आया एंड ही स्टूड बाय मी और उनकी बात मानी गई और फाइनल सिलेक्शन हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका रिजल्ट इतना बड़ा होने वाला है। इसमें गाने भी थे, जो गाने अभी आप लोग नहीं देख पाए, लेकिन गाने ऑलरेडी यूट्यूब पे कल मैंने देखा रिलीज हो चुके हैं और अभी ऑडियो रिलीज हुआ है। अभी इसका वीडियो भी रिलीज होगा पूरा, एंटायर सॉन्ग्स जो नहीं फाइनल कट में आ पाए। हो सकता है थिएटर्स में कभी आती है फिल्म तो शायद पूरी फिल्म रिलीज करें। तो गाने भी हैं और मुझे ये सब पता भी नहीं था कि गाने भी हैं। सेट पे पता लगा कि गाने भी है। और रोल की इम्पोर्टेंस, एक्चुअली क्या होता है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में हर चीज़ रखी जाती है इन कैमरा, थोड़ा सा क्लोज डोर में रखी जाती है और धीमे धीमे बताया जाता है। जिसको जितनी बताने की ज़रूरत है उसको उतना बताया जाता है। तो बाद में पता लगा कि रोल बहुत ज़्यादा अहम है और ऑपोजिट नोरा है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है, तो एक अच्छा फैक्टर था। कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इस रोल को प्ले करते वक्त? कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी किरदार तक पहुंचने के लिए आपको दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं, वक्त लग जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आदमी किरदार पकड़ ही नहीं पाता, फिल्म खत्म हो जाती है और लोग कहते हैं काम ठीक नहीं किया इसने, कैरेक्टर भी नहीं था। मतलब ऐसा भी होता है कि आपने पूरा रोल खत्म कर दिया, फिल्म खत्म कर दी और आप उस रोल में लगे ही नहीं कि आप वो किरदार में थे। कभी कभी 2-3 दिन में लग जाता है और कभी कभी राइट फ्रॉम वर्ड गो हो जाता है। तो हुआ क्या कि जब मैं पहले शॉट पे पहुंचा और मैंने एक पोस्चर लिया बैठने का, तो डायरेक्टर ने बोला, अभिषेक दुदिया साहब ने, कि पवन उमानी ऐसे नहीं बैठेगा। बस वो एक इंसिडेंट था। और आपने जैसे ही अपना पोस्चर चेंज किया, उमानी की बॉडी लैंग्वेज आपको पता लगी, आपकी पूरी बॉडी प्रोग्राम हो गई और बाकी चीजें अपने आप, डायलॉग्स। मैं हमेशा जिस फील्ड ऑफ एक्टिंग से, जो मेरे मेरा तरीका रहा है कि डायलॉग्स बिल्कुल लास्ट में आते हैं और डायलॉग्स अपने आप आने चाहिए, उसके लिए ना याद करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी प्रोग्राम हो गई है और आप फील कर रहे हो तो अपने आप ही वो आवाज में वो वजन आएगा, वो पॉजेज आएंगे और परफॉर्मेंस में राइट फ्रॉम द वर्ड वो आपको लगेगा कि हाँ, ये लड़का अपने किरदार में था। जितने लोगों ने भी देखा और जो मैसेजेस आए, सबने बोला कि आप, यू आर लुकिंग योर पार्ट। इनफैक्ट कुछ रिव्यूज भी आए कि पवन शंकर वॉज इम्प्रेसिव एंड लुक्स द पार्ट, दैट इज दी विक्ट्री। हाँ, ये जरूर फिल्म के पहले डर था कि क्रिटिक्स की नॉलेज में आएगा नहीं आएगा, नोटिस होगा नहीं होगा, लेकिन विद गॉड्स ग्रेस सारी चीजें जैसा सोचा था वैसी होती चली गई। और फिल्म जो ये है पिछले साल रिलीज होने वाली थी इंडिपेंडेंस पे, लेकिन 1 साल लग गया कोविड की वजह से। तो पिछला ये जो 1 साल था, कुछ इनसिक्योरिटीज थे, कुछ फियर्स थे माइंड में इस फिल्म को लेके, इन जनरल एक्टिंग अपने करियर को लेके कुछ? देखिए क्या होता है कि इतना वक्त लग गया ना, तो 1 साल और भी लग रहा था तो कोई फर्क नहीं। आसानी से तो लाइफ में कभी कुछ मिला नहीं,
वैसे भी मेरा मतलब जो नंबर है वो 8 है, वो घूमता रहता है, बहुत मिलता है लेकिन बहुत वक्त लेता है। तो इतना वक्त ऑलरेडी लग चुका था कि कभी कभी ये भी लगता था कि जिस रेस में आपने शुरुआत की थी, क्या आप मंजिल तक कभी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ऐसा भी रहता है, हर आदमी को रहता है। लेकिन मुझे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी लेट है, ये जो अभी हुआ है 10 साल पहले होना चाहिए था मेरे करियर में। जब मैंने सिद्धांत किया था, जिस तरह से वो अप्रिशिएट हुआ था, तो वो इंटायर वर्ल्ड वाज टॉक, आई मीन इंटायर हूएवर सॉ वाज टॉकिंग अबाउट सिद्धांत, इट वाज अ लैंडमार्क। वो तो मुझे लगता था 10 साल पहले होना चाहिए था, मैं 10 साल लेट हूँ लाइफ में। राइट, बट देर आए दुरुस्त आए, ये कह सकते हैं। इसी तरह के किस्सों के लिए ये कहावत बनी है, देर आए दुरुस्त आए। वो एक गाना था ना, एक गाना जो अश्विनी भावे गाती है, ऋषि कपूर वाला एक गाना था, एक फिल्म थी ऋषि कपूर की, देर लगी आने में उनको शुक्र है फिर भी आए। तो राइट, तो आपके फैंस की भी कुछ इसी तरह से एक भावना होगी जरूर इस फिल्म को देखकर। देखिए मैंने बहुत काम किया था, मैंने 2004 से लेकर 12-13 तक तो बहुत काम किया था। तो तब डिजिटल वर्ल्ड इतना पॉपुलर नहीं था, ये फेसबुक इंस्टाग्राम ये फॉलोअर्स ये थे नहीं। अगर हम लोग के टाइम पे, उस टाइम पे फॉलोअर्स और ये सब होते तो बहुत ज्यादा एक सेगमेंट से आप जुड़े रहते बराबर। तो जब लोग देख रहे हैं तो 16 साल पुराने रोल्स को लेके, वो 16 years फ्रॉम आफ्टर सिद्धांत वी आर सीइंग यू, यू नो, क्योंकि इट वॉज अ बिग प्रोजेक्ट। तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है इसको, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, US, सब जगह से कॉल आ रही है। शायद यूरोप में बस नहीं देखा जा रहा, लेकिन 16 साल बाद फैंस उसको भी रिलेट कर रहे हैं, पुराने, ओह आपको तब देखा था, वो रोल था। तो सबको याद है, मतलब मैंने जितने भी काम किए विद गॉड ग्रेस लोगों को याद रहते हैं, क्योंकि मैं चुनिंदा काम ही कम करता हूँ तो याद भी रहते हैं। राइट, और आप पहले जब अपने करियर की शुरुआत करी तो आप काफी लीड रोल्स आपने प्ले किए हैं, काफी पॉजिटिव रोल्स प्ले किए हैं, लेकिन पिछले 1-2 साल में हम आपको देख रहे हैं थोड़ा नेगेटिव किरदार में आप नजर आते हैं, तो क्या ये सोच समझ के आपने डिसीजन लिया कि मुझे थोड़ा नेगेटिव करना है, या इट हैपेंड? नहीं, क्या होता है कि जब एक कहावत है पुरानी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। तो कहने की बात है, लेकिन कुछ प्लान नहीं है। देखिए आप एक किरदार करते हो, और इसमें भी इसका पॉजिटिव साइड भी है, ओमानी का रोमांस भी है, पॉजिटिव भी है। रोमांस का एक बहुत बड़ा ट्रैक था जो थोड़ा सा एडिट हुआ है, ट्रिम हुआ, उम्मीद है कि थिएटर पे जब आती तो वो भी दिखेगा। तो आपको दोनों शेड्स दिखेंगे, और एक बेहतरीन गाना भी है इसमें, इश्क मेरा करके, एल्बम आप लोग जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे आ चुका है, इश्क मेरा करके है, जो मेरे पे फिल्माया गया था, मेरे पे और मोरा। और मैं हर नेगेटिव किरदार में भी पॉजिटिव ढूंढता एक्चुअली, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव अंदर है तो जाहिर सी बात है हमें जो चीज़ हम पसंद करते हैं हम उसको कहीं ना कहीं से उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ हमें इंटरेस्ट नहीं करती है, हमारे मन की नहीं होती, हम उसको अवॉइड करते हैं। तो मैं हर नेगेटिव किरदार में जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती थी उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, उसको प्ले करता हूँ, चाहे वो इतना क्रूर है कि पत्थर से उसने सर फोड़ दिया, मतलब मार दिया, जान से मार दिया, लेकिन उसके बाद भी जब वो चिट्ठी पढ़ रहा है, ऐलान हो रहा है, तो उसके चेहरे पे एक अपने काम में पॉजिटिव है, उसके लिए शायद यही काम पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है अगर नेगेटिव किरदारों को पॉजिटिव अप्रोच से रखा जाए तो शायद उन किरदारों में भी जान आ जाए, और जो टिपिकल विलेन क्लीशे टाइप होते थे वो खत्म हो जाए, क्योंकि हम सब में थोड़ा थोड़ा नेगेटिव तो हम सब में है, पॉजिटिव है, कब कौन सा पक्ष हावी रहता है सवाल इस बात का। कहते हैं ना, शीशे के सामने ही हम लोग अपने आप को असली, जब अकेले होते हैं तभी आप इंसान अपने से बातें करता है। तो हर इंसान के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए नेगेटिव किरदार निभा पा रहे हैं। राइट, और थिएटर्स में नहीं आ पाई फिल्म फिलहाल, तो इस बात की थोड़ी निराशा रही कुछ मन में? जो मिल गया सो अच्छा, जो ना मिला वो भी अच्छा। मैं इसमें भी पॉजिटिव ढूंढता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे। अब देखिये सिनेमा अगर थिएटर में फिल्म आती 200-300 करोड़ का बिजनेस होता, करीब 50-60 लाख लोग देख लेते थिएटर पे। उसके बाद जब टेलीविजन पे आती है या OTT पे आती तो उसका वो क्रेज नहीं रह जाता, तब आ रही है तो देख लिया। लेकिन जब टेलीविजन पे ही इसका, OTT पर ही इसका लॉन्च हो रहा है तो पूरा वर्ल्ड उसको नए प्रोजेक्ट की तरह देख रहा है। कौन US में आपकी फिल्म देख लेता है पहली बार, या नीदरलैंड में देख लेता है, या
ऑस्ट्रेलिया में देख लेता, सब वेट कर रहे थे। मुझे लगता है भुज के जो व्यूज आने वाले हैं वो बहुत जबरदस्त आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा लेट सबमिशन हुआ था और कुछ कंट्रीज में लेट गया था, सबकी टाइमिंग मैच करनी थी। मेरे ख्याल से व्यूज अब आज आने चाहिए, व्यूज बहुत ज्यादा इसलिए आएंगे क्योंकि पूरा पूरा वर्ल्ड इसका इंतजार कर रहा था एक्चुअली। तो बेहतर हुआ कि आपकी फिल्म को सबने वेट करके देखा, ये नहीं कि टीवी पे आएगी तो देख लेंगे, सिनेमा कौन जाएगा। एक सेगमेंट, बहुत बड़ा सेगमेंट है, बुजुर्ग लोग हैं जो कहते हैं नहीं तुम लोग देखाओ, जब टेलीविजन में 2 महीने बाद आएगी तब देख लेंगे। ये भी तो जो होता है वो अच्छा ही होता है। और शेरशाह से क्लैश किया फिल्म ने, दोनों रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं, दोनों पेट्रियोटिक फिल्म्स हैं, तो इसको लेके थोड़ा एक टेंस्ड थे कि पता नहीं टक्कर होगी तो ऑडियंस डिवाइड हो जाएगी या क्या होगा रिजल्ट। देखिए अजय देवगन सर की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, हम सब जानते हैं, हम भी उनके फैन हैं, मतलब उनके नॉट ओनली एक्टिंग बट ऑल्सो हिज पर्सनैलिटी। और हिंदुस्तान जो बहुत कम दिखता है या अपने आप को एक्सक्लूसिव रहता है, पहले अगर आपने गौर किया जो पुराने फिल्म स्टार्स थे दिलीप साहब या जितने लोग थे, वो अमिताभ साहब, वो लोग बहुत कम दिखते थे उस जमाने में, तो एक अजीब सा क्रेज होता था कि उनका एक झलक भी मिल जाए। अभी आप लोग इतना ज्यादा, हम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, अपने आप को हर समय हम अवेलेबल रखे हैं, इंस्टाग्राम पे टच हैं, आप टच में हैं, फेसबुक पे टच में हैं, तो क्रेज खत्म हो जाता है। अमिताभ साहब का जो क्रेज उस समय था और आज के दौर में, आप दौर में अगर आप देखें तो वो रोज इंस्टाग्राम में जब टच बेस में है तो वो इंक्विजिटिवनेस जो होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि एक ही कलाकार है अजय देवगन सर, जो उन्होंने अपने आप को अभी भी एक्सक्लूसिव रखा है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं सोशल मीडिया में, लिमिटेड पोस्ट करेंगे जो काम से, इसीलिए वो इतनी लंबी इनिंग्स खेल पा रहे हैं और एक लेवल पे खेल पा रहे हैं। कभी उनकी जिंदगी में फॉल नहीं आया, हमें नहीं देखा कि उन्होंने कभी नीचे बहुत ज्यादा देखा हो, मतलब इसी लेवल पे चलते हैं मोस्ट ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड काउंटेबल एक्टर्स इन द कंट्री। तो उसका यही फैक्टर है कि अजय देवगन सर की फॉलोइंग ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो मेरे ख्याल से स्टारकास्ट में फर्क है इस वजह से भी, और दूसरा इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी लड़ाई लड़ी गई है, तो 2 फिल्में जरूर इस पे आ सकती हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और इतने टाइम से फिल्में नहीं आई हैं तो मेरे ख्याल से बहुत कम सप्लाई है और डिमांड बहुत ज्यादा है, इंतजार बहुत ज्यादा है। तो 2 फिल्म का मेरे ख्याल से 10 फिल्में भी आ जाए तो सबको जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। राइट, और कैसा एक्सपीरियंस था अजय देवगन जी के साथ काम करने का? आप खुद, आप जैसे आपने बोला कितने बड़े आप उनके फैन रहे हैं, इनफैक्ट उनके फैन तो थे उनके काम के, लेकिन जब उनके साथ काम किया और जब उनके साथ सेट पे थे तो शायद उनके प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ी, मतलब वो इतने संजीदा हैं, लगा ही नहीं कि वो सेट पे एक स्टार हैं, बहुत ही संजीदा। मतलब हम और डायरेक्टर साहब बात कर रहे थे तो जो बड़ा आदमी होता है जिसको दिखाना नहीं होता खुद ही आ गए वॉक करते हुए, और क्या बात हो रही है, डबिंग वबिंग हो गई तुम्हारी, यू नो, मतलब हम लोग पूरी इज्जत तो मैं देते थे, देख लिया तो आदमी खड़े होने की कोशिश करता है, जो बेसिक जेस्चर होता है आपके सीनियर स्टार में, यानी बैठो बैठो बैठो। तो व्यक्ति बहुत बड़े हैं, जितने बड़े कलाकार उससे कहीं ज्यादा बड़े व्यक्ति हैं, मतलब इंसान बेहतरीन है, मतलब इसका एहसास हमें हुआ। और जब एक आर्टिस्ट होता है ना, जब आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को समझता है, तो क्या हुआ, फाइट का सीन था मेरा, एक बहुत जबरदस्त सीन है इसमें, जो 1 सिंगल शॉट है, आप लोग ने अगर गौर फरमाए तो मेरा नौरा का जो फाइट सीन है जिसमें डेथ होती है, वो एक सिंगल शॉट का सीन है, 1.5 मिनट का सीन है, सिंगल शॉट, उसमें कहीं कट नहीं है। तो उसमें क्या हुआ कि फाइट मास्टर ने पीछे से बोला, लुक, जब पीछे से अटैक किया, लुक, तो आदमी जब आप इमोशंस में होते हो तो लुक हो चाहे वुक हो चाहे देखो इधर कुछ भी हो तो आप आउट होते हो। मैं उस तरह का कलाकार हूं कि मुझे एक, जब मैं सीन में हूं तो मुझे कुछ भी बाहर का नहीं सुनना है, और ये सिर्फ एक कलाकार समझ पाता है, ये बहुत अच्छे एक्टर समझ पाते हैं। तो क्या हुआ कि पीछे से फाइट मास्टर ने बोला लुक, मुझे लगा कट, कुछ हुआ, कुछ साउंड हुआ, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, ये लाइट मूव कर गई, कुछ हो गया। तो अजय सर ने बोला कि कौन बोला बीच में, वो भी थे, कहते कौन बोला, कहते हैं नहीं मैंने बोला लुक, कहते नहीं नहीं कोई बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि आपको मतलब कोई बीच में नहीं बोलेगा, कहते हैं वो तो डिस्ट्रैक्ट होगा ना। तो फिर एक, जब एक आर्टिस्ट इतना सपोर्ट रहता है, मैंने एक बार बच्चन साहब के साथ रीन एंड टेलर का एड किया था, तो उसमें प्रियदर्शन डायरेक्टर थे, मेरा पहला शुरू का एड था, 2002-03 की बात है। तो बच्चन साहब के सामने, सर के सामने वो मॉनिटर दिख रहा था, वो जब वॉक करके ऐसे आ रहे थे, तो उन्होंने कहा नो नो आउट मॉनिटर, आउट आउट फ्रॉम द साइड, क्योंकि अगर आप एक भी सेकेंड में मॉनिटर पे भी नजर चली गई तो आप इमोशन में, तो हर ये कलाकार समझ सकता है। तो ये भी एक सीखने की बात थी कि वो सेट पे जब थे, जो आपने सवाल पूछा कि उनके रहने से और बेहतरीन माहौल आर्टिस्ट के लिए और कम्फर्ट होता है, नहीं क्या होता है
हेयर ड्रेसर लोग बात कर रहे हैं बगल में, उधर अगला एक्टर फोकस कर रहा है अपने सीन में, बगल में लाइट के पीछे से चालू रहता है, यू नो हाउ सेट इट. तो वो सिर्फ एक आर्टिस्ट समझ सकता है, कलाकार समझ सकता है कि उसको कितना आइसोलेशन, कितनी पीस चाहिए उस सीन के लिए. और नोरा फतेही के साथ कैसी इक्वेशन रही? बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा, मतलब अगर 10 out of 10 एफर्ट करता है आदमी, एक फुल परफेक्ट आदमी, तो नोरा शायद 20 out of 10 करती है, डबल एफर्ट डालती है. वो शायद उनको कुछ करने की चाहत है एक्टिंग इंडस्ट्री में, इसी वजह से वो इतनी मेहनत करें. बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होके करना चाहती हैं, और अच्छा अच्छी कलाकार हैं. वो ऑलरेडी टॉप की, काफ़ी क्रेज है उनका हिंदुस्तान में इस समय, कि मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा क्रेज शायद इस समय हिंदुस्तान में अगर यंगस्टर्स में किसी का है तो शायद नोरा फतेही का है. तो बहुत अच्छा लगा, हार्ड वर्किंग बहुत है, सीखने वाली बात है. राइट. और कोई ऑफ स्क्रीन मेमोरी, जब आप सेट पे होते थे, कैमरा रोल नहीं हो रहा होता था, किस तरह बॉन्ड करते थे आपस में, किस तरह मस्ती करते थे? थोड़ा इस स्टेज में जब फिल्में आप करते हैं तो हर आदमी थोड़ा थोड़ा अपने में रहता है. मतलब काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और इतना हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, जब आप लिमिटेड टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हो तो इतना हेक्टिक होता है कि थोड़ा सा आउटडोर्स, आउटडोर में तो हम लोग थे, भोपाल में सारा शूट होता, भोपाल में ताजमहल जो आप देखते हैं, जो पूरा मकबरा बना हुआ है जहाँ पे कब दफनाया जाता है जिंदा, वो ताजमहल में भोपाल में, जो आज फेमस नहीं, उसको भी ताजमहल कहते हैं. वहाँ पे थोड़ा सा जब इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी, 350-400 का क्राउड रहता था, क्राउड भी रहता था, तो थोड़ा सा एक माहौल ऐसा लगता था कि ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि आपको इमोट करने की ज़रूरत नहीं है. वो जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में रहता है कि अपने आप को वो करते ना, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, तो ऐसा माहौल था, मशाले जल रही थी कि आदमी, मैं तो कहता हूँ कि एक डेड आदमी भी उठ के खड़ा हो जाएगा और परफॉर्म करने लगेगा. तो वो एक मेमोरीज बहुत बेहतरीन थी कि आपको खुद मेहनत नहीं करनी पड़ी, माहौल ऐसा बन गया था कि आप फ्लो कर. और कुछ आपने और प्रोजेक्ट्स अभी साइन किए हैं? कुछ प्रोजेक्ट्स हमेशा की तरह मना किए हैं. ये मेरे साथ हमेशा से दिक्कत रही है कि हाँ कम होती है ना ज्यादा होती है. मैं फिल्म का वेट कर रहा था, तो आज भी कुछ ऑफर्स थे और पहले भी 2 प्रोजेक्ट फाइनल है, लेकिन अब उसमें से एक बॉम्ब ब्लास्ट पे है, बॉम्ब ब्लास्ट पे है, और एक और वॉर फिल्म है, बड़ी फिल्म है, वो भी पाइपलाइन है. तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं. कोशिश करूंगा कि थोड़ा, इतना मेरे साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्या होता है कि जब सिद्धांत मिला था तो भी ऐसा रोल से लॉन्च हुआ था कि उसके बाद वैसा रोल मिलना ही मुश्किल था, क्योंकि वैसे रोल बनते ही नहीं थे, होते ही नहीं थे, तो आपको कहाँ से मिल जाएंगे. आपकी किस्मत थी आपको एक बार मिल गया मेल ओरिएंटेड शो. उसी तरह फिल्म में भी ऐसा लॉन्च, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, इस लेवल पे मिला है, इतना भारी किरदार मिला है कि अब उसके जैसा हो या उतना हो, ये एक बड़ी लड़ाई है कि आप वापस, क्या टेलीविजन में ऑफर्स आ रहे हैं, क्या आप वापस करना चाहेंगे या आप रुकना चाहेंगे. ये एक द्वंद है मेरे अंदर जो मैं खुद इससे अभी फिर से जूझ रहा हूँ, देखता हूँ क्या रास्ता निकलता है. राइट. तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं काम को लेके, और उस तरह का काम कभी कभी नहीं मिलता है, इसलिए आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं. हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब OTT की दुनिया आ चुकी है, और OTT में बेहतरीन लिखे जा रहे हैं, बेहतरीन रोल बन रहे हैं, और बेहतरीन लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. तो मुझे लगता है अब वो बात नहीं होगी. और 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने रोक के रखा था, मैंने रोका था कि मैं 13th के बाद ही इस पे कर पाऊंगा. तो एक बॉम्ब ब्लास्ट एक प्रोजेक्ट है, वो करेंगे, और वॉर फिल्म, ये 2 चीज तो फाइनल है. अब देखते हैं मैं, मतलब कब अनाउंसमेंट होती है और कब आप तक, लहरों तक बातें पहुंचती हैं. जरूर. और किस तरह के रोल्स करना चाहते हैं, क्या सपने हैं कि ऐसा रोल मिल जाए मुझे? एक कलाकार का दिल ना एक बच्चे की तरह होता है, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं. हर किरदार करना है, हर रोल करना है, फ्रॉम बेगर टू किंग, कुछ नहीं, सब चाहिए. बस अपने अलग अलग जिंदगियों को जीने का मौका मिल जाए. बाय यू, द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर इज दैट यू गेट टू लिव सेवरल लाइव्स, यू गेट टू सी योर ओन सेल्फ, यू नो, एज अ डिफरेंट पर्सन. तो
तो ये बेस्ट पार्ट होता है हम लोग की लाइफ का। तो जितना से ज्यादा अमिताभ साहब की तो अभी तक भूख खत्म ही नहीं हो रही है, अभी भी लगे हुए हैं और हर रोल करना है, हर तरह का रोल करना है, और अब ज्यादा इंजॉय कर पा रहे हैं कि अब उनको हीरो वाला वो प्रेजेंस नहीं रखना है, वो कैसा भी रोल कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज आज की डेट में हो गया है कि हीरोशिप थोड़ी खत्म हुई है और कैरेक्टर ज्यादा है। आप टेलीविजन में भी देख रहे हैं, OTT में भी, कि हर किरदार एक हीरो है अपने अपनी जगह कहीं पे। तो ये बहुत बेस्ट पीरियड आई थिंक अच्छे एक्टर्स के लिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट पीरियड एवर आज की डेट। राइट, तो भुज के रिलीज से और अब जब OTT इतना बूम पे है, तो यू फील कि गुड प्रोजेक्ट्स विल कम योर वे एंड योर वर्थ विल बी रियलाइज्ड बाय द इंडस्ट्री? ऑलरेडी शुरू हो गया है, 14 तारीख को भी पहला ऑफर आया था और OTT का ही है, वो भी है। दे ऑल हैव स्टार्टेड पिचिंग मी इन सेवरल वेब सीरीज, सो लेट्स सी ऊंट के सरवट किस करवट बैठता है। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कन्वर्सेशन एंड आई रियली लाइक टॉकिंग टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। बाय।